वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज फ्रेंड्स देहरादून में शिक्षा मंत्री ने एक बैठक की है जहां पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस किया है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आप जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विद्यालय शिक्षा परिषद के सभी लोग यहाँ पर हैं, जो माननीय शिक्षा मंत्री भी हैं, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण पर्सनल्स हैं वो सभी इस बैठक में शामिल हुए हैं। अब इस बैठक में क्या क्या डिसीजन हुआ वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहेगा। और पीआरटी भर्ती को लेकर भी इसमें क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने फेसबुक के हैंडल से जो आज मीटिंग हुई थी बैठक में उनका जो निर्णय हुआ था उन्होंने एक एक का पॉइंट सबको बताया है कि किस किस पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं आज अपने देहरादून आवास में प्रदेश में शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन हेतु प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है कि उक्त बिंदुओं पर हमने डिटेल में चर्चा की जो निम्न है। सबसे पहला नंबर कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु शीघ्र नियमावली बनाकर स्क्रीनिंग में सम्मिलित हुए अध्यापकों के काउंसलिंग के संबंध में, जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले ही उन्होंने मतलब शिक्षा मंत्री ने जो है वो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की जो है उद्घाटन किया था, उनका एग्जाम भी हुआ था। तो यहाँ पर उन विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उनमें जो शिक्षक हैं उनके लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था जल्द कराने को कही गई है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा जो नंबर टू पॉइंट में कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में रिक्त पदों पर केंद्रीय विद्यालयों की भांति वॉकिंग इंटरव्यू द्वारा शिक्षकों की तैनाती के संबंध में। वॉकिंग इंटरव्यू मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय हर साल एकेडमिक बेसिस पे कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती कराता है, यहाँ पर भी वही हाल होने वाला है उत्तराखंड में। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का मतलब गेस्ट फैकल्टी ही मान के चलो, मतलब सोचिए कितने आप एक तरह से आप सोचिए कितने लाख स्टूडेंट भविष्य के साथ, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ये अभी से खेलने के लिए तत्पर हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्य तदर्थ अध्यापकों के नियमितीकरण होती है, यानी कि जो टीचर हैं अशासकीय विद्यालयों में उनको नियमितीकरण करने के लिए। भाई क्यों नहीं करोगे, अब तो आपके पास मौका है, लॉलीपॉप आपको पकड़ाना है क्योंकि चुनावी साल है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। आगे बढ़ते हैं, सभी राजकीय विद्यालयों में प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों को शीघ्र भरने के संबंध में। तो अब इसके बारे में भी अब ये इसलिए वो मामला उठा रहे हैं क्योंकि राजकीय उत्तराखंड जो शिक्षक संघ है उसने इस मामले को काफ़ी हाईलाइट किया है। उसके अलावा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं की कक्षा में भी प्रवेश परीक्षाएं कराने के संबंध में, यानी कि अब पहले 6 और 9th होते थे, अब 9th और 11th में भी जो है एंट्रेंस एग्जाम हो गया, यानी कि कमाई का एक और साधन। उसके अलावा राजीव अभिनव विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में समाहित करने के संबंध में, यानी कि दोनों का कोलैबोरेशन। उसके अलावा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में सभी पदों की शीघ्र भरने के संबंध में, यानी कि धीरे 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 जितनी भी पोस्टर्स खाली हो रही हैं टीचिंग से रिलेटेड सभी को भरने की उम्मीद की जा रही है। उसके अलावा प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को शीघ्र निःशुल्क पुस्तक देने के संबंध में ये सारी चीज़ें भरी हैं। ये रही सारी पॉइंट्स जो आज डिसीजन हुआ मीटिंग में। उसके अलावा पीआरटी और भर्ती को लेकर जो हमारे अन्य सोर्सेस थे वहाँ से हमको जो जानकारी मिली है वहाँ पे ये डिसीजन हुआ है कि जैसे आपको पता है कि इस बैठक में विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव और सभी गणमान्य लोग मौजूद थे। हाईकोर्ट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को 4 हफ्ते के अंदर जो है जवाब मांगा था कि जो ब्रिज कोर्स वाले हैं वो इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो इस बारे में ये निर्णय लिया गया है कि सारी कार्यवाही जो है तैयार कर ली गई है। अब जैसे ही इस वीक यानी कि आप देख सकते हैं सोमवार से जब हाईकोर्ट ओपन होगा तो वहाँ पर
इसके बारे में चर्चा की जाएगी, यानी कि अपना पक्ष जो है विद्यालय शिक्षा परिषद कह लीजिए या फिर शिक्षा विभाग अपना पक्ष रखेगा कि ब्रिज कोर्स वाले इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिज कोर्स वालों ने भी बीच में ये रिट अप्लाई कर दी थी कि जब डीएलएड एनआईएस वाले एप्लीकेबल हैं तो हम क्यों नहीं हैं। तो हाईकोर्ट ने उनका उसका जवाब जो है शिक्षा विभाग से 4 वीक के अंदर मांगा था। तो इस बैठक में ये भी निर्णय हुआ है कि हाँ, विद्यालय शिक्षा परिषद या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस मामले में डिसीजन ले लिया है, अब वो अवगत इसको हाईकोर्ट को कराएंगे। अब क्या डिसीजन आगे होगा हम उसके बारे में आपको बताएंगे जैसी अपडेट्स आएंगी। तो तब तक हम आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही जो हम लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।